राव ने 1995 में 5000 मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपए हो गया, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति है सुब्बा राव, उसने काम करना चालू किया, कब ज्वाइन किया था 1995 में, उसे महीने की पेमेंट जो थी कितनी थी 5000 रुपए, ठीक है ना। तो 5000 रुपए महीने मिल रहा था उसका पेमेंट, तो हर वर्ष क्या 200 रुपए उसको बढ़ जा रहा था, हर वर्ष मतलब हर वर्ष नहीं कि इसमें, हाँ प्रत्येक वर्ष, ठीक है, हाँ प्रत्येक वर्ष क्या रुपए बढ़ रहा है, 200 रुपए बढ़ जा रहा है ना। तो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया उसका 7000 रुपए, 5000 से स्टार्टिंग हुआ तो 7000, तो 7000 किस वर्ष हो गया उसका, कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 मिलना चालू हो गया, कब, बात समझ में आ रही। तो सबसे पहले ये हमारा समांतर श्रेणी का सवाल है, तो लिखेंगे दिया हमारा सुब्बा राव ने, तो उसका प्रारंभिक जो वेतन था उसको हम मान लेते हैं, ए बराबर दिया है 5000 रुपए, ठीक है, और ये बढ़ रहा है प्रत्येक वर्ष की दर से, ये बढ़ रहा है कितना 200 रुपए बढ़ रहा है, तो इसको डी बराबर मानेंगे 200 रुपए बढ़ रहा है। अब ये बढ़कर कितने वर्ष में कितना हो गया, तो यन हमको फाइंड करना है, यन निकालना पड़ेगा, मतलब कितने वर्ष में कितना रुपए हो गया 7000 हो गया, तो अंतिम एन की वैल्यू दे रखी है वो हमारा कितना दे रखा है 7000, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू पूछा जा रहा है कितना हो गया, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे हमारा फार्मूला होता क्या होगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू कितना दे रखा है 7000, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है फर्स्ट टर्म ये हमारा 5000 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है इंटू 200, ठीक है, इसको उस साइड करिए कितना हो जाएगा ये 7000 और माइनस 5000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन और मल्टीप्लाई कितना है 200, ठीक है, चलो तो लिखिए एन माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 2000, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई जैसे लिखा गया है माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू कितना दिया है 2000, वैसे भी लिखे माइनस वन इंटू 200 इक्वल टू कितना दिया हमारा 2000, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में इस साइड होगा डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस वन इक्वल टू 2000 डिवाइड बाय 200, ये 10 से 10 0 से 0 कितना हो जाएगा 10, तो एन इक्वल टू कितना मिला एन माइनस वन इक्वल टू कितना मिला हमारा 10, इसको इस साइड करेंगे तो एन इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, क्लियर, तो एन की जो वैल्यू निकल के आई कितना, ठीक है, अर्थात ये हमारा मतलब 11 निकल गया, 11 वर्ष बाद उसका कितना हो गया 11 वर्ष बाद देखेंगे कितना हो गया 7000, तो ये 1995 में था हमारा, ठीक है, 1995 में हमारा और स्टार्टिंग 1995 में था, पूरा जोड़ दिया 1995 प्लस 11 इधर देखिएगा, ठीक है, एक बार नोट कर लेना, तो वहाँ उसका वेतन मिला कितना 1995 में उसकी ज्वाइनिंग थी 1995 प्लस कितना हो गया 11 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 9 में 1 जोड़ेंगे कितना 10, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो 2006 में उसको कितना रुपए मिलना चालू हो गया 7000, ठीक है, तो 2006 में सुब्बा राव की पेमेंट कितनी हो गई 7000, तो इस प्रकार से श्रेणी के सवाल बनते हैं। अगर श्रेणी का सवाल ऐसे आपको एक बार चेक करिए कि अगर ये फर्स्ट टर्म है ये हमारा बढ़ रहा है किस वर्ष के प्रत्येक वर्ष के हिसाब से बढ़ रहा है उसको डी मानिए और अंतिम अगर दे रहा है उसका अंतिम कितना मानिए ए एन मानिए, एन की वैल्यू फाइंड करिए, जैसे एन का मान हमने निकाला कितना आई 11, 1995 ज्वाइन किया तो 1995 में 11 जोड़ोगे 2000 कितना आएगा 6, 2006 में उसका वेतन कितना होगा 7000 रुपये।